तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था शॉर्ट फॉर्म्स को, कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स हमने किए थे और साथ में हमने सीखा था कि एस के सर्कल को दो स्ट्रोक्स के बीच में यानी कि आउटलाइन के बीच में कैसे हमें यूज करना है। आज हम वही वर्ड्स बनाने जा रहे हैं जो मैंने पहले आपको रूल बता दिया था कि कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक होगा और उसके साथ में हमें एस का सर्कल जोड़ना होगा तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे यूज करेंगे हम उसको? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर स्ट्रोक कर्व्ड है, कोई भी स्ट्रोक हो कर्व्ड है, तो उसमें इनसाइड द स्ट्रोक हम एस का सर्कल घुमा देंगे। तो अभी मैंने ये कुछ वर्टिकल स्ट्रोक्स लिखे हैं, सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। पहले हम वर्टिकल स्ट्रोक्स को देखते हैं, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को देखेंगे। अभी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं और साथ में एस का सर्कल का यूज होता है, तो इनको हम लोग करते हैं। आज हम ये करेंगे, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को देखेंगे, उसके बाद में कुछ एक शॉर्ट फॉर्म करेंगे और फिर आपको मिलेगी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं। देखिए रूल वही है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, कर्व स्ट्रोक में इनसाइड द कर्व मूव होगा और स्ट्रेट स्ट्रोक कोई भी हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा इसका सर्कल। तो इनमें देखिए हम यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। आवाज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो थोड़ी बहुत आवाज आ सकती है बैकग्राउंड में, है ना। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने पास, पी वर्टिकल स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक है और एस का सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे, ठीक है, ये लाइट है ये। फिर है हमारे सामने डेज, डेज अभी देखिए इनमें मैंने कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, कैसे घुमाया मैंने एंटी क्लॉकवाइज एस के सर्कल को, ये यही सिखाने के लिए है। और साथ में हमको कुछ नए वर्ड्स मिल जा रहे हैं, कॉपीज, कॉपीज, ठीक है, इसमें भी हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। लेडीज, लेडीज, इंचेस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पीस, एंटी क्लॉकवाइज। पेजेस, पेजेस, ये ए का बोल और ये जे के बाद जो ई की साउंड आ रही है उसका बोल, पेजेस। सिट, सिट है, इसमें ए की साउंड टी से पहले आ रही है तो हमने इसके लेफ्ट में लगा दी। अब है सिटी, अब इसमें टी से पहले भी ई की साउंड आ रही है और बाद में भी, सी टी। अब है सिटीज, फिर से ऐसा लग जाएगा, वो बोल वही रहेंगे सिटी वाली, सी टीज, है ना। फिर है स्टे, स्टे, अभी देखिए इन सब में हम एंटी क्लॉकवाइज एस का सर्कल हम घुमा रहे हैं। स्पेयर, स्पेयर, सैटरडे, यानी कि एस हमेशा कैपिटल रहेगा, सैटरडे, 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 ठीक है। ये उसे है कि साउंड आई उसके लिए लाइट डैश है ये सैटरडे। इसके नीचे हम डबल लाइन लगा देंगे क्योंकि हमें बताना है कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। साइड, साइड, सूट, यू का बोल लग जाएगा, है ना, साइड और सूट। ये मैंने ऊपर वाली लाइन छोड़ दी है, इसको कर लेते हैं पहले। चूज, चूज, ठीक है। सेट, सेट, सेड,
सेट्स, सेट और एस सेट्स, फिर है स्पीच ई की साउंड, एंटी क्लॉकवाइज एस घुमाया, पी और चे, स्पीच चे से पहले ई की साउंड, सच चे है ना, चे बनाएंगे हम, सच यू से ए की साउंड आ रही है, कौन सा लगेगा, लगेगा लाइट डैश, कैसा लगेगा लाइट डैश, सच ठीक है, सैड सैड। अब है ईटीसी जो एटसेट्रा हम लिखते हैं ना, एटसेट्रा एटसेट्रा फलाना फलाना है ना, तो उसका है, इसमें हम वोवल नहीं लगाएंगे ठीक है, इसको हम एज ए शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे, एटसेट्रा सिर्फ इतना करना है, इसमें आपको वोवल नहीं लगाना है ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अगर होता है तो इसमें हमें टाइम ज्यादा नहीं देना है, तो इसको शॉर्ट एज ए शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद करोगे एटसेट्रा। आउटसाइड पहले तो आउ का हो लगेगा यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, और फिर साइड का आई का हो कि यहीं पे फर्स्ट प्लेस पे अगले स्ट्रोक में है ना, दो ओवर लगेंगे यहाँ पे, आउ लगाया पहले और फिर साइड के लिए आई का लगाया, आउटसाइड, बिसाइड, बिसाइड ठीक है, डिसाइड, ट्यूजडे, ट्यूजडे, ट्यूज और फिर डे का ए, और इसमें भी हम डबल डैश लगा देंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट लेटर इसका हमेशा कैपिटल रहेगा ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे थे जिनमें वर्टिकल स्ट्रोक्स आ रहे थे, कुछ नहीं हमें करना इतना ही है कि जो भी वर्टिकल स्ट्रोक्स होंगे उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज एस का सर्कल घुमाएंगे, दो रूल है सिर्फ एस के सर्कल को यूज को लेके, अगर कर्व स्ट्रोक होगा तो इनसाइड द कर्व घुमा देंगे, अगर वर्टिकल या स्ट्रेट स्ट्रोक होगा कोई भी एनी स्ट्रेट स्ट्रोक ठीक है उसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा इसके। फिर अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में हम कुछ नए वर्ड सीखते हैं, रूल्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, हमारा मकसद ये है कि हम नए वर्ड्स बनाना सीखें इन चीजों से, तो इसको कर लीजिए फिर मैं कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक सीखता हूं। ये देखिए हमने कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लिखे हैं, अब हम इनको बना के देखेंगे है ना, इनमें भी एस पे सर्कल का यूज हो रहा है, किसी में स्टार्टिंग में, किसी में लास्ट में, किसी में बोथ साइड एट द स्टार्टिंग एंड एट द एंड, तो इनको हम बनाते चलिए। पहला वर्ड है हमारे सामने गैस, गैस और ई से हमारी, देखिए इसमें यू भी है और ई भी है लेकिन ए के साथ हमारी ई से जनरेट हो रही है ठीक है, गैस, गैस, लुक्स, लुक्स, बॉक्स, बॉक्स, देखिए सब में एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जो भी स्ट्रेट स्ट्रोक दिखे सीधा दिखे उसमें एंटी क्लॉकवाइज हमें बना देना है, फिक्स, फॉक्स, एफ और पीएस, ये ओ का ओवर लग जाएगा, केस, केस, ए का ओवर लग जाएगा, कोज, ये ओ का ओवर लग जाएगा है ना, अब है सिक, 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 शोक, शोक, सिक्स, सिक्स, सेक,
ऊपर आएंगे, ठीक है। सेक ए का वोवल है, सिक्योर, सिक्योर देखो ई से ए के साउंड आने लगी, हमने ए का वोवल लगा लिया और यहां पे यू का सिक्योर, यू की जो साउंड आ रही है उसका वोवल लगा दिया, सिक्योरली, सिक्योरली है ना। एक्सक्यूज देखिए इसमें मैंने मार्गिस को इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको वो नहीं लगाना है, ठीक है, इसको इस टाइप से बना देना आपको एक्सक्यूज, ठीक है, इसमें वो नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं और आगे जाके हमें धीरे धीरे वोवल्स कम करना है। तो अभी से कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल ले रहा हूं मैं इनमें से जो बार बार आते हैं और उनमें आगे जाके आपको वो उनको हटाना है। तो अभी से इस चीज की धीरे धीरे आदत डाल लीजिए ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो। यूज, यूज रेज, रेज इसी तरीके से वेज बन जाएगा, वेज, यस ई का वोवल लग जाएगा जो ए की साउंड आ रही है ना। हाउस, हाउस ये यू नहीं है, औ है, ठीक है। कैरीज, कैरीज कह के बाद में ए के साउंड और फिर रीज। मैरीज, मैं रीज मैं के बाद में ए के साउंड। वेरीज, वे रीज ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। Twice यहां पे आई लग जाएगा, आई का वोवल वाइस है ना। फिर है सॉरी, ओ का वोवल लग जाएगा। फिर आ रहा हमारे सामने सीरीज, पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको बेस्ट शो के रहेगा इस टाइप से है ना। सीरीज दोनों साइड में ई का वोवल लगेगा, सीरीज। सर्विस, सर्विस इसमें आप वोवल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें वोवल अपने को नहीं लगाना है। लास्ट टाइम देखिए मैंने क्या किया था, ट्यूजडे बनाते टाइम, ट्यूजडे बनाया था मैंने इस टाइप से है ना, ए का वोवल लगा दिया था, जो ई को यू का वोवल था ये मैंने इस साइड लगा दिया था, इस साइड नहीं आएगा, ये ट्यू के बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्यूजडे, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये सारे हमारे सामने वर्ड्स हैं, तो इनको आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स कुछ यहाँ पे। चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा, चैप्टर खत्म होने में अभी कम से कम आपकी दो क्लास और लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा। चलिए जी, यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं, ये देखिए दो टाइप से हैं, एक ये सेक्शन है और एक ये पहला सेक्शन है। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है जो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, इसमें वो शॉर्ट फॉर्म है जो हमने पहले सीखी हुई है। फर्क क्या है यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है कि इन सभी शॉर्ट फॉर्म्स में हमने एस को जोड़ दिया है। लाइक स्पीक हमने सीखेंगे यहाँ पे, हमने स्पीक्स बना दिया है। योवर हमने सीखा हुआ है, हमने योवर्स बना दिया है, ठीक है। ईयर हमने सीखा हुआ है, हमने ईयर्स बना दिया है। इनमें हमने किया क्या है कि हमने एस जोड़ दिया है, तो हम उसको सीखेंगे कि अगर शॉर्ट फॉर्म में हम एस जोड़ेंगे तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म नहीं सीख लेते हैं, पहले नहीं कैसे है। देखिए बिकॉज, बिकॉज को हम के और एस बना के हम बिकॉज बना देंगे, के प्लस एस और ये रहेगा अबाउट द लाइन, ठीक है।
बिकॉज, कोई वोवल नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ के प्लस एस, इसको हम बनाने हैं बिकॉज। अभी यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा होगा स्पेशल और फिर डैश है और फिर एलवाई है, इसका क्या मतलब है? ये आपको आगे काफी बार देखने को मिलेगा, आगे मैगजीन्स में भी देखने को मिलेगा ये वाला फॉर्म कि एक वर्ड फिर डैश और फिर एक दो अल्फाबेट्स। इसका क्या मतलब होता है कि जो हम जो स्ट्रोक बनाने जा रहे हैं ना वो दोनों वर्ड्स में काम आएगा, दोनों में, किसमें? एक तो इसमें स्पेशल है ये, ठीक है, ये है स्पेशल में, और फिर जो इन आगे वालों को मिला के जो कंप्लीट बनेगा ना उसके लिए भी, यानी कि स्पेशल और स्पेशली दोनों में ये स्ट्रोक काम आएगा। स्ट्रोक क्या है हमारा? एस और पी। एस और पी को हमने बना दिया बिना किसी वोवल लगाए और हमने उसको रीड किया स्पेशल या स्पेशली। कब स्पेशल रीड करेंगे और कब स्पेशली रीड करेंगे वो हमारे सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करेगा। फिर है हमारा स्पीक, इसी एस प्लस पी को हमने थ्रू द लाइन बना दिया, एस प्लस पी को हमने थ्रू द लाइन बना दिया, इसको क्या रीड किया? स्पीक। इसी तरीके से देखिए सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्टेड के लिए कि एक ही स्ट्रोक है, ये है हमारा बी, ये एस प्लस पी था, ये एस प्लस बी है। तो एक दो तीन चार, चार शॉर्ट फॉर्म्स अभी हम सीख रहे हैं, नहीं बिकॉज के प्लस एस को जोड़ा है हमने स्पेशल या स्पेशली, एस प्लस पी को जोड़ा है, स्पीक में भी एस और पी को जोड़ा है, फर्क क्या है? इसमें ऑन द लाइन था, इसमें हमने थ्रू द लाइन बनाया है, सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड में हमने एस और बी को जोड़ा है। चलिए अभी कुछ इन्हीं शॉर्ट फॉर्म से और कुछ हमने पुराने सीख रखे उनमें हम एस का यूज करके देखते हैं, है ना। स्पीक हमने अभी सीखा है, स्पीक्स बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसी शॉर्ट फॉर्म को बना के स्पीक और इसमें हम एस जोड़ देंगे, किसी वोवल का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट हमने अभी सीखा है, सब्जेक्ट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? इसी में हम एस जोड़ देंगे। योवर हमने सीखा हुआ है, योवर्स लिखेंगे तो उसी में एस जोड़ देंगे। ईयर्स भी हमने सीखा हुआ है, ईयर लिखेंगे उसी में एस जोड़ देंगे, ईयर्स बन गया। आवर्स या हावर्स भी सीखा हुआ है, उसको बनाएंगे और उसमें हम एस जोड़ देंगे, सब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। विश, विश हमने सीखा था एस एच थ्रो द लाइन, विश में एस जोड़ देंगे, विश इज बन जाएगा, विश इज बन जाएगा, है ना। थिंक्स, थिंक हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, थिंक्स लिखना होगा तो उसमें हम एस जोड़ देंगे, थिंक्स हो जाएगा। थैंक भी सीखा हुआ है तो थैंक्स लिखना होगा तो हम एस जोड़ देंगे, है ना। ये हमारा जी ओ ई एस, गोज, गोज, गो हमने सीखा हुआ है, इसी में हम एस जोड़ देंगे, गोज बन जाएगा। गिव भी हमने सीखा हुआ है, ये गए है डार्क में है, ये भी गए है, गिव्स, गिव भी हमने सीखा हुआ है, इसमें एस जोड़ देंगे, गिव्स बन जाएगा। कम हमने सीखा था, इसमें एस जोड़ देंगे जी, ठीक है जी, ये कम्स बन जाएगा, ये गए है और ये गए है। थिंग्स हमने सीखा हुआ है, आई एन जी का स्ट्रोक होता है, इसमें एस जोड़ देंगे, थिंग्स बन जाएगा। डिफरेंसेस, डिफरेंट हमने सीखा था तो डिफरेंसेस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एस लगा देंगे, है ना। पुट्स, पुट हमने सीखा था, पुट्स लिख बनाएंगे तो हम इसी में एस लगा देंगे। तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म थे जिनको हमने एस लगा के हमने बनाना सीखा है कि शॉर्ट फॉर्म में भी हम एस लगा सकते हैं, किन्हीं में भी, किसी में भी, यहाँ पे वोवल का यूज हम नहीं करेंगे किसी भी वोवल का। चार नई शॉर्ट फॉर्म सीखी है और हमने फिर शॉर्ट फॉर्म में सीखा कि हम एस के सर्कल का यूज शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये चीज आप लोग नोट्स बना लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को दो एक्सरसाइज है वो करनी है, एक्सरसाइज 26 आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी इंग्लिश में, और इसके बाद एक्सरसाइज 26 आपको शॉर्ट हैंड में। अभी एक्सरसाइज 27 इंग्लिश में और फिर 27 अभी आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज 27 को शॉर्ट हैंड में। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। कल हम फिर से आगे इसको पढ़ेंगे एस के सर्कल को और हम डिटेल में इसकी रूलिंग को जानेंगे। तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस ढंग से करनी है, इसमें इस चैप्टर में वोवल्स का बहुत ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते टाइम कहाँ पे लगेगा, एस के साथ में आ रहा तब कहाँ पे लगेगा, पहले आ रहा तब कहाँ पे लगेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, और इस चैप्टर में कम से कम आप लोगों की 2 क्लास और होगी, उसके बाद में चैप्टर खत्म होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर भी लेंथी होते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और कोई इश्यू नहीं है।
जब आप लोगों ने यहाँ तक सीखा है आगे आराम से सीख लेंगे। लग रहा होगा आप लोगों की टूलिंग एकदम से टफ रूल्स आ गए हैं ना, इनसे ज्यादा टफ कोर नहीं आएंगे। कुछ एक चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़े बहुत टिपिकल रूल्स हैं इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, है ना, इनसे आगे सभी में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे सारे रूल्स टफ होते जाएंगे, नहीं, कुछ इजी रूल्स भी आएंगे। हमारा मकसद यही होगा कि हम अपनी आउटलाइंस को, अपने स्ट्रोक्स को जितना हो सके उतना हम छोटा करता जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड का मतलब ही होता है शॉर्ट हैंड में लिखना। तो इनके आप लोग नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट लेता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।